ये तो भाई साहब की तस्वीर है। अरे हाँ, ये तो बुद्धि के पिताजी हैं। जरा पढ़ तो क्या लिखा है। शंकर दयाल रायगढ़ के नए मेयर चुने गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो जा शहर से मेरी बहू ले आ, इस घर की अमानत ले आ। मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? हाँ माँ, आज जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे जरूर लेके आऊंगा। मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा माँ। जीते रहो बेटे, शारदा भाभी और भाई साहब को मेरा नमस्ते कहना। हाँ, और ये लड्डू देना, बिल्कुल भूलना नहीं। हाँ, और अपना ख्याल रखना। माँ तू अपना ख्याल रखना। क्या? अरे तू मेरी फिक्र छोड़, अपना ख्याल रख। चल चल। अच्छा, मैं जाता हूँ माँ। अरे आई मौसी, अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए, जो गांव की हरियाली छोड़कर शहर जा रहे हैं घास काटने। तुम ही बताओ बहन, हमारी बिटिया में क्या कमी है? मौसी तुम्हारी बिटिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी घंटी नहीं बजती ना। अरे बज गई घंटी। मेरी नहीं बस की। अच्छा मैं चलता हूँ। मुन्नी, अब तुम्हारा मुन्ना जवान हो चुका है। बिल्कुल बदल चुका हूं, हैंडसम हो गया हूं, लेकिन मुझे यकीन है तुम नहीं बदली होगी। मैडम ये क्या कर रही हो? ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत को ही बचाने के लिए आई हूं अंकल। ये क्या बदतमीजी है? अरे रामा हरे कृष्णा, मैं तो हूँ प्रेम पुजारी, ज्वेल थीफ नहीं, जो आपने मुझे एक गैम्बलर समझकर मेरे नाम का वारंट निकाल दिया है। ना तो मैं जॉनी मेरा नाम हूँ और ना ही छुपा रुस्तम। मैं तो हूँ बम्बई का बाबू, अमर नाम है मेरा, अमर अमरावती वाला। शट अप अंकल, ना तो ये अमरावती का कोई जमींदार है, ना ही इसकी कोई जागीर है। ये आपको धोखा देकर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। बिल्कुल ठीक, हमारा मेम साहब एकदम सच्ची बोलते है। हाँ ये अच्छा हो गया कि हमने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, नहीं तो ये दूल्हा, ये मोची का बच्चा तुम्हारे मुंह पे बदनामी का ऐसा कालिक लगाता कि जूता में मुंह देखने के भी तुम काबिल नहीं रहता। बेटी ये सब क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? ये अमर है, एक मोची, और ये अकबर है, एक टांगे वाला, और ये जॉनी एक मैकेनिक, और तुम कौन? मैं मनमोहन हूँ, एक दूध वाला। ये चारों कंगाल अमेरिका ढोंग रचाकर मेरी सहेली को फंसाना चाहते हैं। सनम बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। ये गरीब होते ही ये मक्खियों की तरह जहाँ दौलत का शहद देखा आ जाते फिन मिलाते हुए। अंजर पंजर नीले हो गए भैया, तबला सारंगी बज गई। इश्क 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 में इस मोटे गाय की गड़बड़ से सारी हड्डियां कड़कड़ कर रही हैं। ऊपर से खड़की, हाथ से निकल गई लड़की। जब तक सनम नाम का काटा है, अपनी जिंदगी में काटा ही काटा है। ए मान, लगता है हम लोग जिंदगी भर कवारे रह जाएंगे। बोलता है रामा हरे कृष्णा, अरे रामा हरे कृष्णा, सच्चे का बोल भाला है, झूठे का मुकाला है। करवा दे हमारी लव मैरिज, और भेज दे कोई अमीर और गरीब के लड़ाई को लड़ने वाला गैम्बलर, जो बना दे हम चारों का लश्कर। भाई साहब, ये मेयर साहब का बंगला किधर है? आपको किससे मिलना है? मुन्नी से। मुन्नी? मेरा मतलब सनम। सनम नहीं, एटम बम बोलो, मिसाइल बोलो, तलवार बोलो, अरे वर्ल्ड वॉर बोलो मैन।
बास्टर्ड। ऐसा हाथ घुमा के मारूंगा कि सारे दांत मकई के दाने की तरह बिखर जाएंगे। तुम जानते मैं कौन हूँ? इंसान तो लगती नहीं हो, खानदानी हो नहीं सकती। देखने में हो नगीना, लेकिन असल में हो नमूना। मैं तुम्हारी तजरबेदारी। गांव में बहुत सारे पागल सांडों को ठीक किया है। तू किस खेत की मूली है? चल फट। बास्टर्ड। क्या? क्या बोली? कस्टर्ड? मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे जा जा जा, देख लूंगी। अरे अब तो हम जा रहे हैं हमारी मुनिया को देखने। क्या? वेलकम वेलकम प्रिंस। बताओ। ऑफ लखनपुर। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये तो सगुन है। हम तो आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें ना उम्मीद नहीं करेंगे। वेल, हमें तो रिश्ता मंजूर है प्रिंस, लेकिन हम अपनी बेटी के बारे में आपको कुछ पता देना चाहते हैं। हमारी बेटी दोधारी तलवार है। ताज तो नहीं है उसके सर पे, मगर इस इलाके में राज है उसका। राज तो हम उसे कराएंगे, लखनपुर की राजकुमारी बनाकर। भाई सोच लो प्रिंस, हमारी बेटी शेरनी है। शेरनी? हम भी कुत्ते नहीं, बताओ। शेर पालते हैं। और बताओ। जंगल में जाकर चीतों से पंजा लड़ते हैं। वेरी इंप्रेसिव। और बताओ। हाथियों से कुश्ती लड़ते हैं, खतरनाक बिल्ली को चूहा बना के खुद बिल में घुस जाते हैं। और मत बताओ। रामा, अरे तुमको बताने वाला आता है जी। तुम शेर के कान में उंगली डालता है, तुम चित्ता के पेट में कुदूदी करता है, तुम बिल्ली को चूहा बनाता है और चूहा के बिल में खुद घुस जाता है। लेकिन लेकिन हमारा मैम साहब आपका एरिया का वाट लगाता है। वाट 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 बालचंद। क्या हुआ बेटी, मेरी गुड़िया को किसने सताया? हाँ? I want his head. मुझे उसका सर चाहिए। रिलैक्स बेटी, रिलैक्स। बेटी, ये तुम्हारा होने वाला मंगेतर है। मंगेतर? माय फ्रेंड, मुझे मंगेतर नहीं, किलर चाहिए। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, जान दे सकता हूँ। किसी की जान ले सकते हो? नो नो नो। उस कमीने का सर काट के इस थाल में सजा कर मेरे सामने ला सकते हो? नो नो नहीं। Then go to hell. मुर्गना कैसी लगी? क्या है जी? वो मैकेनिक अभी तो क्यों नहीं आया? अयो, बिजली की माप कड़को मत, आग की मापी भड़को मत। मैं अभी कोड़े की मापी जाता है और सांड की मापी कोड़े के लिए मैकेनिक को लेके आता है। तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे छोड़ रहे उसको, छोड़ रहे। अरे मैकेनिक कह रहे वो अंदर आने दो उसको। वांगो 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 तम्बी इंगे हो रहे। मैकेनिक तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ तीखी मिर्ची, अरे लग गया तो कट गया, तो कट गया तो मर गया, तो दफा 302 के तहत सजाए मौत। ए बहुत हो गया। ए मैं भी बहुत सर फिर रहा हूँ। ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक नागपुर कान कानपुर जबड़ा जबलपुर हो जाएगा। अरे अरे मौसी, ये क्या हो रहा है? मौसी आइए, मौसी बचाओ। अरे मौसी, मैं सावित्री देवी का बेसन का लड्डू। अरे क्या मेरा मतलब है किशन। लेकिन ये कौन सा स्टेशन? ये मुन्नी है। हाँ मुन्नी। बेटी, मुन्नी बेटी, ये मुन्ना है। मुन्ना चोर का बेटा, चोर। मुन्नी छोड़ दो, तुम लोग बैठो, मैं भगवान के सामने माथा टेक कर आती हूँ। सिर्फ माँ को ही नहीं, मुझे भी पूरा यकीन था कि तुम एक दिन सर उड़ाओगे। सच? हाँ, मैं गरीबों की फितरत को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम यहाँ जरूरत के नाम पर रुपयों की भीख मांगने आए हो या अपनी गरीबी की चादर फैलाकर हमारी इज्जत का सदका? बोलो क्या चाहिए? मैं यहाँ रिश्तों का कर्ज वसूल करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी अमानत लेने आया हूँ। अमानत? हाँ सनम, 12 साल पहले जिस लड़की के साथ अग्नि के फेरे लिए थे, सारे गांव सारे समाज के सामने जिसकी मांग में सिंदूर भरा था, आज उसी लड़की को अपनी मां का दिया मंगलसूत्र पहनाकर
अपने साथ ले जाने आया हूँ। वाह, बहुत खूब। बरसों पहले बाप ने बैंक डकैती की थी और आज बेटा शादी के नाम पर मेरे बाप की दौलत पर डाका डाले आया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्या समझते हो, बचपन में की गई गुड्डा गुड्डी के खेल को मैं सचमुच शादी समझ लूंगी? रस्म के नाम पे की गई जहालत को मैं हकीकत समझ लूंगी, जिसे मैं तो क्या कानून भी नहीं मानता? Now get out. चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो सनम, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं उसकी बहू को साथ लेकर आऊंगा। तो ये दो पैसे की माला किसी जाहिल गवार लड़की के गले में डाल के ले जाओ, जो जिंदगी भर गरीबी के खूंटे से बंधी रहे और गृहस्थी की चक्की में पिसती रहे।